तो हमारे प्यारे बालक और बालिकाओं के लिए जो रिवीजन का सीरीज था, ठीक ना, मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा, यानी आप लोगों का रिवीजन कराऊंगा 110%। और इससे पहले मैंने बहुत सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए। उस नोट्स को देने का, उसे प्रोवाइड कराने का मेरा बहुत ही बड़ा मकसद था इसके पीछे, कि मैं आपको जब नोट्स दे रहा हूँ ये, तो उसके पीछे का बहुत ही बड़ा मकसद था वो ये था कि मैं आपको धीरे धीरे नोट्स दूंगा और उसके बाद क्या करूँगा, वीडियो के थ्रू, जैसा कि मैंने बोला भी था कि वीडियो के थ्रू आपका पूरा का पूरा शानदार तरीके से रिवीजन भी करवाऊंगा। ये मेरा वादा रहा, इतना मैं बोला था। उसके बाद ही बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि सर आप नोट्स के साथ साथ वीडियो लेक्चर भी भेजो, क्योंकि एग्जाम आ रहा है। एग्जाम हमको याद है सारा का सारा, अपना वादा मैंने जो प्रॉमिस करा था उसका याद है। और मैं जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा था उसका मेन मकसद यही था कि मैं आगे थोड़ा सा नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा और उसके बाद फिर वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको पूरा का पूरा रिवीजन कराऊंगा। उससे बहुत बड़ा फायदा होगा कि आपके पास नोट्स भी रहेगा, नोट्स बनाने की कोई झंझट नहीं है एग्जाम टाइम में, और आपके पास वीडियो लेक्चर भी है, यानी आप शानदार तरीके से रिवीजन भी कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ आपके और अपने थोड़ी सी मेहनत से। चलो देखो, यहाँ पर देखते हैं कि आज का जो रिवीजन है क्या, ये पूरा का पूरा चैप्टर की मैं रिवीजन कराने की कोशिश करूँगा। और जो चैप्टर है आप देख रहे हो स्क्रीन पे कौन सा चैप्टर है, तो यहाँ पर जो चैप्टर है वो है गतिमान आवेश। क्या है भैया? गतिमान आवेश है तथा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक ना। ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से आपको देखना है। ये चैप्टर ईजी मत लेना, मतलब ईजी है, समझाऊंगा भी शानदार एकदम, फोड़ दोगे पूरे परीक्षा को, ठीक ना। लेकिन हमें साथ साथ चल करके उसको समझते चलना है, ये नहीं कि मन कहीं और है, आंखें कहीं और है, ऐसा नहीं करना है। देखो अब यहाँ पर नीचे की ओर चलते हैं और नीचे की ओर देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक ना, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। चैप्टर तो देख ही रहे भैया। देखो यहाँ पर अब नीचे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर किसके द्वारा लिखा गया ये तो पता है आपको, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये जो चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, और उसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है चुंबक। आखिर में चुंबक होता क्या है? तो देखो इससे मतलब कि इसके पीछे की छोटी सी कहानी है, उसको सुन लो फिर आगे हम लोग चला जाए मस्ती से। देखो चुंबक की खोज की जो पीछे की एक छोटी सी कहानी है कि जो भेड़िए चराने वाले कुछ चरवाहे थे, ध्यान से सुनना, कुछ भेड़िए चराने वाले कुछ चराहे थे, और वो क्या किए ना कि एक मतलब भेड़ को चराते चराते एक पहाड़ पर चले गए। बात समझ में आ रहा? उस पहाड़ पर जैसे ही गए उनका जो जूता था, उनका जो जूता उस पहाड़ से चिपकने लगा। एकदम आश्चर्यचकित हो गए, अब भेड़ चराने वाले तो थे एकदम आश्चर्य, लो भैया ये क्या हो गया हमारे साथ, हमारा जूता चिपक रहा है। तो इससे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए और दौड़े दौड़े गांव में गए, गांव वालों को बताया, गांव वालों ने फिर हल्ला कर दिया। जाहिर सी बात है यार कि गांव में अगर कोई बात अगर थोड़ी सी चूचा हो जाती है, तब बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पेट में बात पचती नहीं है, वो सारे के सारे हल्ले कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से या मतलब हल्ला हुआ, फिर बहुत ज़्यादा खोज हुई इस चीज़ के बारे में कि ऐसा क्यों हुआ। फिर यहाँ पर पाया गया कि उस पहाड़ में जो पत्थर पाए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें पाए जा रहे हैं पत्थर, उसमें एक ऐसी प्रकृति है जो कि लौह कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो लौह कणों को आकर्षित क्यों कर रहे थे, आखिर में लौह कण कहाँ से आ गए? तो देखो जो चरवाहे थे ना, चरवाहे के जो जूते थे प्योर चमड़े के बने होते हैं, और प्योर चमड़े को अगर हमें पूरा का पूरा मजबूत और तरीके से बनाना हो जूता है भैया, तो उसे मजबूत बनाने के लिए ताकि वो जल्दी फटे ना, तो उसके लिए मोटे मोटे कील गाड़े जाते हैं, ठोके जाते हैं, ये समझो कि मोटे मोटे कील ठोके जाते हैं, ठीक ना, ताकि वो जो चमड़ा है जल्दी टूटे ना। ऐसा चमड़ा जल्दी नहीं टूटेगा, लेकिन चमड़े के जूते को सपोर्ट के लिए थोड़ा मोटा मोटा कील गाड़ा जाएगा, ठीक ना। तो वही कील क्या हो रहा था, उस पहाड़ में चिपक रहे थे, ठीक ना। तो ये समझा गया कि नहीं नहीं उस पहाड़ पे जो भी चीज़ें पाए जा रही, जो भी पत्थर है, जो भी कंकड़ पत्थर है, उसमें एक ऐसा मतलब क्वालिटी है जो कि लोह कणों को यानी लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बात को समझना ही, ठीक ना। तो ये छोटी सी कहानी थी, अब देख लेते हैं यहाँ पर छोटा सा मैंने परिभाषा मतलब चुंबक के बारे में बताने की कोशिश की है। चलो देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसके परिभाषा के बारे में बताएं तो चुंबक की खोज मैग्नीशिया नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ हुई थी भैया? नाम याद रखेंगे, मैग्नीशिया नामक स्थान पर, यानी चरवाहे थे मैग्नीशिया के नामक स्थान पर हुई थी। अब यहाँ पर इसमें लौह कणों को अपनी ओर, लौह जो कण थे उसको अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति थी, क्षमता थी, वही बात है। अब यहाँ पर इसका जो रासायनिक संगठन होता है, वो रासायनिक संगठन होता है Fe3O4 होता है, ये आप याद रखोगे, भूलोगे नहीं, बात समझ में आ रहा है। और इसे ही चुंबक बोलते हैं। तो इतना बात कंफर्म हो गया कि आखिर में चुंबक होता है क्या भैया। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम,
यहाँ पर अब थोड़ा सा पीछे घूम जाते हैं, ठीक, और यहाँ पर अब थोड़ा सा और नीचे की ओर हम चलते हैं और देख लेते हैं कौन से टॉपिक से ऊपर नहीं जाए लापा, नीचे जाए लापा। हाँ समझ गई। हाँ देखिए, अब यहाँ पर चुंबक में निम्न गुण पाए जाते हैं, उन गुणों के बारे में देख लेते हैं कि कौन से भैया चुंबक में निम्न गुण पाए जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, पहला जो गुण है लिखा हुआ है किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। सही बात है, किसी भी चुंबक के क्या होते हैं भैया, दो ध्रुव होते हैं। अब यहाँ पर देखो कौन कौन से ध्रुव होते हैं, तो एक उत्तरी ध्रुव होता है, दो दूसरे क्या होता है दक्षिणी ध्रुव, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। इसे क्यों मतलब कि हम जानते हैं सीखते हैं, देखो ये मतलब कैसे पहचानेंगे कि अगर किसी भी चुंबक के दो ध्रुव है, ये कहाँ से नाम लिया गया आगे ये समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर पृथ्वी जानते हो, तो पृथ्वी में एक खोज की गई कि अगर स्वतंत्रता पूर्वक एक लटकता हुआ जो चुंबक होता है, अब घर पे करके देखना, वो हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल के ओर ही क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए पृथ्वी के भी दो पोल मानने लगे गए। अब देखो ये क्यों मानने लगा, मानने मतलब मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्योंकि देखो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जाहिर से अंदर है, हम एक चुंबक मान करके चलते हैं कि पृथ्वी का जो गर्भ है यानी जो धरती के अंदर है, बहुत बड़ा चुंबक मान करके चलते हैं, ठीक है ना। उस चुंबक को मान कर चलते हैं जिसकी दिशा नॉर्थ साउथ की ओर हम मान करके चलते हैं इस तरीके से। तो ये एक मतलब इमेजनरी कहानी की तरह समझो, ठीक ना, इसका कोई अभी प्रूफ नहीं है, एकदम ब्रीफली प्रूफ किसी ने नहीं दे पाया कि आखिर में है कि नहीं है। बस हाँ ये होता है कि अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकता हुआ चुंबक है तो नॉर्थ से साउथ के पोल में रुक जाता है। तो इस समझते हैं कि चुंबक भी जो नॉर्मल चुंबक होता है उसमें भी दो पोल होंगे भैया, ठीक ना, इस तरीके से। और किस तरीके से समझ सकते हो, तो घर पे आप जब चुंबक देखो, जब घर पे चुंबक देखते हो तो घर पे जो चुंबक होता है ना, कभी कभी देखते हो कि जो चुंबक है एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करेंगे, ठीक, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और कभी कभी क्या होते हैं, जो चुंबक होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, यानी ये एक दूसरे को ढकेलेंगे, दूर ढकेलेंगे, पास आने नहीं देंगे, सॉरी ये इधर डायरेक्शन होगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, पास आने नहीं देंगे, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, ढकेलेंगे। तो आखिर में ये मतलब कि आपस में आकर्षण होना या प्रतिकर्षण होना, ये क्यों हो रहा है आखिर में। तो इससे भी ये समझते हैं कि चुंबक के पास दो ध्रुव है, यानी दो टाइप के पोल है, जो कि अगर सेम सेम पोल होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अपोजिट पोल यानी विपरीत पोल अगर विपरीत ध्रुव हो रहेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये रीजंस दे सकते हो लोगों को, अगर कोई लोग आपसे पूछ रहे हैं तो। अब यहाँ पर देखो कि अगर नीचे हम जाते हैं, अब यहाँ पर तो यहाँ पर जो चुंबक दिया गया है, अब नीचे की ओर देख लेते हैं कौन कौन से। देखो अब यहाँ पर एक बात हमने बताने की भी कोशिश की है कि यहाँ पर तुम कहाँ से आ गए, तुम तो हट जाओ, हट गया, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे और भी पॉइंट्स उसको भी देख लेते हैं। तो जो दूसरा पॉइंट हमने बताने की कोशिश की है कि दूसरा पॉइंट क्या है भैया, रुक जाओ, मोटा वाला पेंसिल ले लेते हैं, ठीक ना, तब मजा आएगा आएगा। चलो देखो अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि स्वतंत्रता पर लटकता हुआ जो चुंबक है सदैव एक निश्चित दिशा में रुकता है। ये सही बात है जो अभी मैं बता रहा था, ठीक ना, आप करके घर में देखना, रुकेगा अवश्य, ठीक ना। तो ये हो गया। अब ये देखो तीसरा पॉइंट क्या है कि सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षक तथा विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये आपको समझ जाना चाहिए, ठीक ना, कि अभी तुरंत मैंने बताया कि घर पर अगर चुंबक लोगे तो कभी कभी क्या होगा ना कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, पास आने ही नहीं देंगे, ठीक ना। और कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरे को एकदम खींच लेंगे। तो यहाँ पर देखो होता क्यों है कि वहां पर अगर नॉर्थ पोल अगर आप ले रहे हो तो एक दूसरे को जाहिर सी बात है कि क्या करेंगे, प्रतिकर्षित ही करेंगे, ठीक ना, आपस में, ठीक, नहीं आने देंगे, बोलेगा चल निकल ले भैया, किनारे से निकल ले, ठीक है ना। और अगर ये विपरीत अगर ध्रुव होंगे उसके, नीचे देख लेते हैं कि कौन कौन से विपरीत ध्रुव है भैया। तो अगर विपरीत ध्रुव होंगे उसके तो क्या होंगे, वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, विपरीत ध्रुव होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप नीचे देख लेते हैं, देखो अब नीचे के पॉइंट्स क्या है। तो देखो यहाँ पर कुछ विपरीत ध्रुव हमने दिखाने की कोशिश की है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि ये विपरीत ध्रुव है। और यहाँ पर जब आप विपरीत ध्रुव लोगे, यानी नॉर्थ पोल है यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर साउथ पोल है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करो बस। यहाँ पर अगला जो पॉइंट है कि अगला पॉइंट क्या होगा कि चुंबक के चुंबकता कोनों पर अधिक। देखो एक मतलब कि प्रैक्टिकली बोल सकते हो या फिर एक मनगढ़ंत कहानी कि चुंबक के चुंबकता तुम्हें याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कोशिश करना
कि चुंबक के चुंबकता कोरों पर अधिक होती है तथा मध्य पे कम होती है, तो यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एक चुंबक है तो चुंबक की चुंबकता इन कोरों पे अधिक होगी और ये मध्य में यानी बीच में बहुत कम होगी। बात को समझना, ठीक ना। तो ये कुल मिलाकर के है। अब यहाँ पर आगे चल लेते हैं और देखते हैं, तो यहाँ पर नीचे क्या लिखा है कि एक विलग चुंबक के ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है भैया। एक विलग चुंबक यानी एक अकेला चुंबक का अस्तित्व नहीं होगा, सॉरी, एक विलग का मतलब अकेला चुंबकीय ध्रुव का, चुंबकीय ध्रुव का मतलब अगर एक चुंबक है भैया तो अगर उसमें केवल नॉर्थ ही पोल है तो इस चुंबक का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसमें साउथ पोल रहना ही रहना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि अगर कोई एक चुंबक है और चुंबक में केवल नॉर्थ ही पोल है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं भैया, वो बेकार है, बेकार। देखो यहाँ पर वो बेकार हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए चुंबक का होता है ना कि अगर आप चुंबक को ऐसे तोड़ोगे, यानी चुंबक को आप कितने भागों में तोड़ दोगे, एक भाग में तोड़ दिया, दो भाग में और तीन भाग में, कितने भागों में तोड़ोगे आप, तो वो जो चुंबक होगा उसके नॉर्थ और साउथ पोल बढ़ते जाते हैं। दिखा देते हैं हम कैसे। तो यहाँ पर अरे कहाँ गया मेरा, चलो 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 आगे हम इसको मिटा लेते हैं जो छेछा पीछी हो गया है। ये थोड़ा थोड़ा समझाते समझाते छिछा पीछे हो ही जाते हैं भाई, समझ गए। इसको मैंने मिटा लिया। अब देखो चलो अब नीचे चलते हैं, हम लोग नीचे देख लेते हैं कि आखिर में विलग चुंबक का ध्रुव देखो। अब यहां पर देखिए कि यहां पर एक चुंबक था हमारा, ठीक ना, एक चुंबक है। यहाँ पर आपको चुंबक दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक हमारा चुंबक है, तो चुंबक का देखो नॉर्थ और साउथ पोल है, तो इसी चुंबक को मैंने दो भागों में तोड़ दिया। यहाँ से दो भागों में टूटा तो देखो नॉर्थ और साउथ पोल फिर बन गए उसके। यहाँ से देखो नॉर्थ ही केवल आना चाहिए था ना, ये नॉर्थ ही केवल आया लेकिन साउथ अपने आप पैदा हो जाता है, तो ये बात समझना, ठीक ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी नॉर्थ है साउथ है, तो इसको भी तोड़ा तो यहाँ पर साउथ केवल आना चाहिए था क्योंकि बीच में तोड़ दिया, तो यहाँ पर नॉर्थ अपने आप डेवलप हो जाता है। ये कभी भी अलग नहीं होते हैं, ये बात समझ लो। अगर आप फिर इन चुंबकों को मैंने यहाँ से ऐसे तोड़ दिया है तो फिर देखो यहाँ पर ये फिर से चुंबक यहाँ पर इस तरीके से बनी गया है, यानी नॉर्थ और साउथ पोल कभी अलग नहीं होते, वो फिर से आए जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आगे और थोड़ा सा चलते हैं और देखते हैं, समझते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो भाई एक बार फिर से रिवर्स करो वीडियो को, ऐसे 100% समझ में आ जाएगा यार। और यार देखो हमारे मिस्टर बीन हैं, ये होल ईयर ऐसे घूमते हैं और ड्यूरिंग एग्जाम इसे आँख फाड़ फाड़ के पढ़ते हैं ऐसे ऐसे एकदम, ठीक ना, और ड्यूरिंग एग्जाम ऐसे करके दम, ठीक। तो देखो यहाँ पर रख दीजिए। अब यहाँ पर आगे पेंसिल तो बंद कर ले भैया, देखो अब यहाँ पर, अरे ऊपर नहीं भैया नीचे, हाँ देखो अब यहाँ पर देखो कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है आखिर में, कि चुंबकीय बल रेखाएं, तो देखो कोई भी चुंबक है तो चुंबक का एक क्षेत्र होता है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, वो तो इमेजिनरी होता है, दिखता नहीं है। जैसे मान लो एक चुंबक है, एक चुंबक हमने ये मान रखा है, अब यहाँ पर कोई भी चीज़ मान लो ला रहे हैं, इस पेन को ही मान लो, इस पेन को, ये चुंबक है और ये पेन लोहा का है, तो अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये खींच लेगा इसको, तो खींच लेगा तो यहाँ पर बीच में कोई तो माध्यम नहीं, खींच ले रहा है रस्सी पकड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर समझा क्या जाता है कि ये जो चुंबक है अपना एक एरिया बनाकर रखा है, जैसे गुंडा लोग एरिया बनाकर रखते हैं ना अपना, वैसे ही ये भी क्या करता है अपना एरिया बनाकर रखता है, यानी अपना क्षेत्र बनाकर रखता है, उस क्षेत्र में कोई भी जाएगा तो खींच लेगा। जैसे आवेश जब आप पढ़ते थे, जैसे विद्युत आवेश जब पढ़ते थे, तो विद्युत आवेश में क्या होता था ना कि अगर आवेश है, मान लो ये आवेश धनात्मक आवेश है, तो वहां पर इसके पास में अगर कोई भी ऋणात्मक आवेश ले जाए मतलब भाग से खींच लेता उसको, ठीक है। तो यहाँ पर खींच लेता कुल मिलाकर के, तो यहाँ पर पता क्या चलता है ना कि ये कुछ ना कुछ अपने चारों तरफ क्षेत्र बनाकर रखते हैं जो कि इमेजिनरी होते हैं, यानी काल्पनिक होते हैं, हमें दिखेंगे नहीं कभी, ठीक ना। तो यहाँ पर इसी तरीके से, तो देखो ये मतलब क्षेत्र को आप कैसे दिखाएंगे आप, तो फिजिक्स में हम उनको बल रेखाओं से दिखाते हैं, क्षेत्र रेखाएं से दिखाते हैं, उसको मानते हैं कि अगर एक चुंबक है तो चुंबक से रेखाएं निकल रही है इमेजिनरी, जो कि हमें दिखती नहीं है, बस वो निकल रही है, तो निकल रही है, बस को समझ। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये वे बल रेखाएं होती है, ये वे बल रेखाएं होती है जो उत्तरी ध्रुव से निकलती है, यानी ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है, यानी नॉर्थ पोल से याद रखना, तथा लगातार वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है, सही बात है। देखो तो इसमें भी देखो, मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये वाला ऊपर वाला नॉर्थ पोल, ये चोच जिसका निकला है ये साउथ पोल है, तो यह नॉर्थ पोल से बल विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ऐसे साउथ में पोल में प्रवेश कर देंगे, ऐसे 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 निकलते रहेंगे तो ठीक ना। तो ये कुल मिलाकर के ना, अब यहाँ पर देख लो, अब थोड़ा साउथ पीछे चल जाते हैं अपने फ्यूचर पास्ट में, ठीक ना।
तो यहां पर आप देख लेते हैं आगे। चलो भैया तुम कट जाओ। अब देखो उसकी कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक है, यानी चुंबकीय बिल रखाओगे कुछ ना कुछ, क्या है करेक्टरिस्टिक, सही कहने का मतलब है कुछ ना कुछ उसकी क्वालिटी है कि भैया चुंबक के बल रेखाएं होती हैं तो क्या होती है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलती हैं तथा साउथ पोल में क्या कर जाती हैं, इंटर कर जाती हैं, ठीक ना। यानी चुंबकीय बल रेखाएं एन पोल से नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में प्रवेश करती हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर एक चुंबक हमने छड़ चुंबक मान करके रखा है और यहाँ पर दिख क्या रहा है आपको कि यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कहाँ से निकल रही है, नॉर्थ पोल से निकल रही है इस तरीके से और साउथ पोल में इंटर कर जा रही है। तो इस तरीके से आप मान करके चलोगे कि इस तरीके से निकलती हैं और इस तरीके से इंटर कर जाती है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ भी, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, बेसिक हैं, तो इसमें आप कन्फ्यूजन मत होना, ठीक। ये या ठीक। अब यहाँ पर तो देख लो भैया अब हम लोग कहाँ पर थे, यहीं पे थे। थोड़ा सा देख लो यहाँ पर चुंबक के क्षेत्र रेखाएं बंद्र वक्र के रूप में होती हैं। तो चुंबक के क्षेत्र रेखाएं किसके रूप में होते हैं, बंद्र वक्र के रूप में होते हैं, ठीक ना। कैसे भैया, तो यहाँ पर देखो जब ऊपर जाओगे आप, कहाँ ऊपर, यहाँ पर देखो कि इस वाले फिगर में मैंने बताने की कोशिश की थी कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो बंद्र वक्र के रूप में किस तरीके से होती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर देखो चुंबकीय बल रेखा इस तरीके से निकल रही है। तो एक बंद बंद वक्र का मतलब एक बंद पाथ, बंद रास्ता ही तो है भैया ना, ये बंद पाथ एक अपना बंद रास्ता बना रहे हैं सब कोई मिल करके, ठीक। तो ये बंद रास्ता ही तो बना रहे हैं ना यहाँ से, ये सर ये इस तरीके से है कि नहीं। तो ये पुल बना के बंद रास्ता ही बना रहे हैं तो ये बंद पाथ के ही रूप में तो है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये बंद पाथ है ही है, यानी ये बंद वक्र ही बनाते हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर ये जो बिंदु है ये बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है। चलो हम समझाने की कोशिश करते हैं, समझ में क्यों नहीं आएगा, 100% समझ में आएगा। लिखा है कि किसी बल चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए उस पर स्पर्श रेखा खींच दी जाती है। यानी अगर कभी भी आपको चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करनी है तो आप क्या कर दोगे, उस पर स्पर्श रेखा खींचोगे। देखो किस तरीके से, यहाँ पर देखो जैसे एक चुंबकीय बल रेखा इस तरीके से जा रही थी, इस तरीके से जा रही है और देखो तो ये चुंबकीय बल रेखा है जो कि हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय बल रेखा दोनों एक ही होती है, उससे कंफ्यूजन मत होना। देखो इसकी दिशा पता कर दिया तो इस पर इस तरीके से स्पर्श रेखा खींच दी जाती है, इस तरीके से हमने स्पर्श रेखा खींच दिया तो चुंबकीय बल रेखा इधर पता चल जाएगी आपको, ठीक ना, कि इधर है चुंबकीय बल रेखा। अब आगे जाते हैं, अब आगे थोड़ा समझ लेते हैं कि भैया क्या 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 नहीं है, ठीक ना। तो देखो अब यहाँ पर जब नीचे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नीचे नहीं भैया। हाँ अब देखो इन बल रेखाओं का ना तो आदि है और ना ही अंत है, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, यदि काटती तो उस कटान बिंदु पर दो स्पर्शी रेखाएं खींच जाती, मतलब कि कभी अंत ही नहीं है, इन रेखाओं का कभी अंत नहीं होगा, मतलब लगातार निकलते रहते हैं जैसे कि चुंबक है ना। देखो अंत, अब देखो ये बात दूसरी हो जाएगी कि अगर चुंबक की चुंबकता नष्ट हो जाए, जैसे चुंबक है तो इसमें जो चुंबक के बल रेखाएं निकल रही है वही तो क्षेत्र बनाती है ना, इस तरीके से निकल रही है, ठीक ना। तो जब तक ये चुंबक है तब तक इसमें बल रेखाएं निकलती रहेंगे और प्रवेश करते रहेंगे, नॉर्थ पोल से यहाँ से ऊपर से निकलते रहेंगे, इसमें प्रवेश करते रहेंगे। लेकिन अगर आप चुंबक को ही तोड़ देते हो, अगर चुंबक को ही क्या कर देते हो, तोड़ देते हो, तब तो उसकी मतलब तोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि उसको गर्म करके तोड़ना, ठीक ना। गर्म कर दो तो गर्म करने से ये होता है ना कि चुंबक की चुंबकता नष्ट हो जाती है, बात को समझो, ठीक ना। लेकिन जब तक अगर किसी भी चुंबक में उसकी क्वालिटी है, उसकी प्रकृति है, तब तक उसके अंदर से चुंबक के बल रेखाएं हैं वो निकलते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होगी। अगर आप चुंबक को नष्ट कर देते हो गर्म करके, गर्म करने से क्या होता है कि जो चुंबक की चुंबकता होती है यानी उसके जो डोमेन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। एक काम कर लें आगे हम अपना मोबाइल हम क्या कर दें कि फ्लाइट मोड में डाल दें, अब सही है, अब देखो कोई दिक्कत नहीं होगा। फोन पे फोन आ रहा है, जब पढ़ाओ तभी फोन, जब सिखाओ तभी फोन, बंद कर दिया। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने क्या बताया कि चुंबक के चुंबकता नष्ट अगर आप कर देते हो तब तो ये बल रेखाएं निकलना बंद हो जाएंगे, अदरवाइज निकलते रहेंगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट भी कि स्पर्शी रेखाएं,
यहाँ पर अगर एक दूसरे को कभी काटते थे ये चुंबकीय बल रेखा, लेकिन अगर काटेंगे तो दो स्पर्शी रेखाएं खींची जाएंगी। और इससे पहले मैंने बताया कि दो स्पर्शी अगर रेखाएं खींच रहे हो यानी अब दो दिशा को बता रहे हो, एक स्पर्शी रेखा मैंने खींचा था ऊपर यानी एक दिशा को इधर बता रहा था, लेकिन अगर आप दो स्पर्शी रेखा खींच रहे हो यानी दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर आपको कहीं जाना है तो आपको अगर कोई एक डायरेक्शन बताएगा तो आपको बहुत ही आसान होगा कहीं पर जाने पर भी जाने पर, ठीक ना, जाने के लिए, ठीक ना। लेकिन अगर आपको दो दिशाएं बताया कि भैया इधर भी चले जाना उधर, कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक ना। इसीलिए कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, अगर काटेंगे तो वहाँ पर स्पर्शी रेखा खींच लिया जाएगा। देखते हैं कैसे स्पर्शी रेखा खींच जाता था भैया। तो यहाँ पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर देखोगे, चलो अब यहाँ पर देखो, वही देखो यहाँ पर जैसे कि दो ये मान लो कि यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखा है एक दूसरे को काट दी, ठीक ना, जो चुंबकीय बल रेखा है एक दूसरे को काट दी, इसको आगे काट देते हैं। तब देखो देखो अब मान लो कि यहाँ पर चुंबकीय जो बल रेखा है एक दूसरे को काट दी, चुंबकीय बल रेखा है एक दूसरे को काट दी, तो ये पहली बात तो पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो काट दी तो क्या होगा कि देखो इस कटान बिंदु पर दो स्पर्शी रेखाएं खींचोगे आप दिशा बताने के लिए, एक इधर हो जाएगा, एक इधर होगा, एक इधर हो जाएगा, एक ये स्पर्शी रेखा, एक ये स्पर्शी रेखा, तो दो स्पर्शी रेखा यानी दो डायरेक्शन, सीधे सीधा बात, दो स्पर्शी रेखा यानी दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है भैया। आप दो स्पर्शी रेखा खींच दे रहे हो तो पॉसिबल वो नहीं है। आप दो डायरेक्शन कैसे किसी चीज की बता सकते हो? आपको घर जाना है तो आपको दो दिशा बताई जाएगी, तो आप कैसे करोगे, कैसे जाओगे, यही बात हो जाती है, ठीक ना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर खींच मान लो अगर गलती से खींच दिए तब क्या होगा भैया? अब देखो नीचे की ओर देखो, अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो कुछ नहीं है चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ा सा डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय बल रेखा द्वारा निर्मित, यानी देखो चुंबकीय बल रेखा निकल रही है तो उससे एक क्षेत्र बन रहा है। देखो यहाँ से चुंबकीय बल रेखा निकल रही है, ऐसे निकल रही है, काल्पनिक होती है, दिखेगा नहीं तुमको, ऐसे निकल रहे हैं, नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं, साउथ पोल में इंटर कर जा रहे हैं। तो ये एक चुंबकीय बल रेखा निकल रही और ये इंटर कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन एक क्षेत्र बनता है जो एक काल्पनिक क्षेत्र होता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। और इस क्षेत्र में, इस एरिया में जो भी आएगा उसको पकड़ लिया जाएगा, ठीक ना, यानी खींच लिया जाएगा। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना कि इसके कुछ मात्रक है, जो कि मात्रक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जो पहला मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, ठीक ना, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और ये न्यूटन प्रति एम्पियर, और टेस्ला और कॉस, इसके तीन मात्रक बताए गए हैं जो कि परीक्षा में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ ले जाते हैं, तो उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए, याद करके रखना भैया, ठीक है ना। अब देखो जो अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर की जान है। क्या है भैया? चैप्टर की जान है, तो ध्यान से रखना। चलो अब देख लेते हैं अगले टॉपिक को, जो कि चैप्टर की जान है। कौन आखिर में चैप्टर की जान हो गई? चलो देखो यहाँ पर चैप्टरवा के जनवा कौन हो गया। चलो अरे हाँ चलो देख लो, यहाँ पर जो अगला टॉपिक है ये क्या है? ऑरेस्टेड का प्रयोग है। क्या है भैया? ऑरेस्टेड का प्रयोग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि देखो इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है, इस सारा का सारा जो टॉपिक्स हैं मैक्सिमम टॉपिक्स पे डिपेंडेंट है, तो ये बात याद रखना, ठीक ना। आगे भी बहुत मजा आएगा अगर आप इस चीज़ को अच्छा से समझोगे, तो आंखें खोल लो और देखो। देखो तो ऑरेस्टेड का प्रयोग, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने किया क्या था कि देखो एक चालक तार ले लिया था, कुल मिलाकर के ऐसा कि ये पूरा पेपर चालक तार ही है, उसमें क्या कर दिया था, एक बैटरी लगा दिया, ये हमारा बैटरी हो गया, और यहाँ पर क्या किया था, दिशा सूचक यंत्र ले लिया। देखो दिशा सूचक यंत्र होता क्या है कि ये दिशा को बताने के लिए यूज किया जाता है, बात समझ में आ रहा है। पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था इसका, अब तो गूगल मैप आ गया वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ें आ गए, तो इसका यूज बहुत कम हो गया, लेकिन पहले के ज़माने में दिशा सूचक यंत्र ये दिख रहा है, इसको कंपास भी बोलते हैं, ठीक ना। तो दिशा सूचक यंत्र का क्या बता, क्या यूज, क्यों यूज किया जाता है, दिशा को बताने के लिए। जैसे सपोज दैट समझ लो कि अगर आपको दिशा पता करनी है तो कंपास को आप ऐसे ओपन करोगे तो कंपास में क्या लगा रहता है, चुंबकीय सुई लगी रहती है। ये देखो जो दिख रहा है ये चुंबकीय सुई है आपका, क्या है, चुंबकीय सुई लगी रहती है। और ये होता क्या है ना कि चुंबकीय सुई है, जैसे आप कंपास को खोलोगे चुंबकीय सुई किधर से, किधर, नॉर्थ से साउथ पोल की वो रुकेगी, है कि नहीं। तो दो दिशा आपको ऑलरेडी पता चल गया कि नॉर्थ और साउथ, तो ऑलरेडी पता चल गया, ईस्ट और वेस्ट तो आप समझ लोगे, ठीक ना। उसके उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में किधर, इधर इधर हो गया, अगर नॉर्थ इधर साउथ इधर है तो ईस्ट इधर होगा, वेस्ट इधर होगा, समझ गए, बस बात खत्म हो गया। तो इस तरीके से यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्यों यूज किया जा रहा है, यानी यहाँ पर क्यों प्रयोग किया जा रहा है, इस चीज़ को आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखो इन्होंने एक चालक तार ले दिया था, चालक में एक बैटरी लगा दिया, यानी धारा प्रवाहित करेंगे, धारा, ठीक ना। अब यहाँ पर एक क्या हो गया,
यहाँ पर एक हमने कंपास ले रखा है, क्या ले रखा है, एक कंपास ले रखा है। कंपास देखो, कंपास अब कैसा है कि अभी कंपास इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन देखना भैया, डायरेक्शन जरूरी है। तो यहाँ पर देखो अभी तक हमने क्या कहते हैं पूरे के पूरे चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं की है। कहाँ गया हमारा, तो पूरे के पूरे चालक तार में अभी तक हमने धारा प्रवाहित नहीं की है भैया, तो उसमें कंफ्यूजन ना होना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अभी हमारा कुंजी यानी देखो खुला हुआ है, अभी बंद नहीं है, यहाँ पर दूसरा कंडीशन बंद किया। तो अभी देखो जब तार चालक तार में कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रहा था, तब हमारा जो कंपास था एकदम सुस्त पड़ा हुआ था ऐसे एकदम ऐसे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने चालक तार में धारा यानी स्विच को ऑन कर दिया, वैसे ही देखो ये पूरा पूरा जो कंपास का जो चुंबकीय सुई था वो विक्षेपित हो गया। क्यों क्यों क्यों, यहाँ तो तार में केवल करंट फ्लो हो रहा है भैया, करंट बह रहा है, यहाँ पर चुंबक से क्या मतलब हो गया उसको देखते हैं। चुंबक के जो सुई था वो क्या हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, टेढ़ा। अब देखते हैं क्यों हो गया। तो यहाँ पर देखो कि अब देखो चुंबक, अब तीसरे कंडीशन में क्या कर दिया गया है कि चुंबकीय सॉरी जो बैटरी था हमारा, बैटरी का देखो पोल चेंज कर दिया गया, मतलब जो पॉजिटिव था उसको फिर नेगेटिव कर दिया गया है, और यहाँ पर जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया गया है, मतलब बैटरी को उल्टा कर दिया गया। तो उल्टा जैसे ही किए देखो यहाँ पर, तब ये जो चुंबकीय हमारी सुई थी उसका भी डायरेक्शन देखो बदल गया, पहले नॉर्थ इधर था, अब देखो पूरा का पूरा इस तरीके से घूम करके नॉर्थ यहाँ पर आ गया, आ गया है कि नहीं। तो ये मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, तो ऑरेस्टेड ने बताया कि भैया हम यहाँ पर जब तक चालक तार में धारा नहीं प्रवाहित कर रहे थे, तब तक कंपास में कुछ नहीं हो रहा था, जबकि कंपास जो चुंबकीय सुई था उसमें कुछ नहीं हो रहा था, जैसे ही हम चालक तार में धारा प्रवाहित किए तो ऐसे ही ये कंपास का जो सुई था वो विक्षेपित होने लगा, ये गनगनाने लगा, घूमने लगा, फटफड़ाने लगा, ठीक है ना, ये होने लगा। तो ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जैसे हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार में विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होता ही है, साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। एकदम दिमाग में धसा लो कि चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, एकदम धसा लो दिमाग में। अब यहाँ पर देखो जो अगला था कि भैया अगर आप धारा की दिशा यानी देखो चुंबकीय चुंबक का देखो दोनों का दोनों पोल चेंज कर देने का मतलब क्या होता है कि हमने धारा की दिशा बदल दी है कि नहीं, हमने क्या कर दिया, धारा की दिशा बदल दी। अब जैसे ही आपने धारा की दिशा बदली तैसे ये चुंबकीय जो सुई था वो भी अलग डायरेक्शन में विक्षेपित होने लगा। तो ये पूरा का पूरा ये कथन कहानी है इसके पीछे का, तो ये समझो आप, ठीक ना। अब यहाँ पर और चलते हैं नीचे की ओर। अब देखो इसके बारे में मैंने कुछ लिख रखा है तो उसको भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। तो देखो लिखा क्या है कि जब यहाँ पर देखो जब तक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तब तक कंपास के सुई में कंपास के सुई तार के समांतर यानी विद्युत चालक के समांतर थी, ऐसे थी, तार भी ऐसे था, ऐसे थी, मतलब तार भी ऐसे ही था और चुंबक के सुई भी ऐसे ही था, दोनों समांतर थे, कुछ विक्षेपित ही नहीं हो रहा था। लेकिन तार में विद्युत धारा प्रवाहित होते ही कंपास की सुई विक्षेपित होती है, तार में जैसे ही धारा प्रवाहित की तैसे वो विक्षेपित होना, विक्षेपित का मतलब थोड़ा सा उसका डायरेक्शन परिवर्तन हो गया, थोड़ा सा घूम गया, थोड़ा सा फड़फड़ाने लगा, शुद्ध भाषा में बोलोगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो विक्षेपित होती है, तार का मान बढ़ाने पर विक्षेपण बढ़ता है, यानी सॉरी धारा का मान बढ़ाने पर, जैसे धारा का मान बढ़ा रहे हो, जैसे पहले एक एम्पियर दे रहे हो तो कम फड़फड़ाएगा, मतलब कम विक्षेपित होगा, दो एम्पियर दे रहे हो तो वो ज़्यादा फड़फड़ाएगा, गलती से पाँच एम्पियर दे रहे हो तो ज़्यादा ज़्यादा जनरेटर चलने लगा यानी फड़फड़ाने लगा बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। तार का धारा का मान बढ़ाने पर विक्षेपण बढ़ता है, तो ये हो गया। तो आपने देखा कि धारा का मान बढ़ाने पर विक्षेपण बढ़ता है, यानी जैसे ही धारा का मान बढ़ा दोगे वैसे वो ज़्यादा फड़फड़ाने लगेगा, ठीक है, मतलब कौन चुंबकीय सुई। तो ये इस बात को समझो, अब धारा की दिशा बदलने पर विक्षेप की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है, यानी धारा की दिशा अगर बदल दी, मैंने बैटरी का डायरेक्शन बदल दिया, तो विक्षेप भी देख रहे थे आप पिक्चर में, विक्षेप भी अलग डायरेक्शन में हो रहा था। तो ये सारे के सारे जो कांड होते हैं वो हो रहे हैं, ठीक ना। अब आगे की ओर चलते हैं और देख लेते हैं कि आगे की ओर भैया क्या क्या है, हमें क्या क्या और भी पढ़ना पड़ेगा गुरु जी। अब देखो यहाँ पर कंक्लूजन हमने निकाल रखा है और बगल में अजय द्वंगन द्वंगन है द्वंगन। देखो यहाँ पर अब मैंने कंक्लूजन थोड़ा सा निकाल रखा है कि कंक्लूजन एवरी फेसबुक यूज देखो मतलब यहाँ पर कंक्लूजन है वाकई वो मीम से, देखो पढ़ लो कि 5 साल पहले फेसबुक वाला का फोटो ऐसा रहता है और 5 साल बाद ऐसा हो जाता है यार। देखो
फैक्ट देखो, फैक्ट का मतलब हम देखते हैं कि कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि भैया एक आवेश है और वो अगर क्या है उसकी जो वेग है वो जीरो है, यानी ये वेग समझना, वेग, ये वेग अगर क्या है वो वेग क्या है जीरो है, यानी वो स्थिर है, वेग जीरो का मतलब स्थिर, तो उसमें केवल विद्युत क्षेत्र होगा, क्या होगा विद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर कोई आवेश है और वो गतिमान है, कोई यहाँ पर आवेश का मतलब क्या है ना, किसी भी तार में अगर आवेश गतिमान है यानी आवेश घूम रहे हैं तभी वहां पर क्या होगा विद्युत धारा उत्पन्न होगी, बात को समझो ठीक है। तो अगर कोई आवेश है वहां पर उसका जो वेग है क्या है नियत है, नियत का मतलब कुछ ना कुछ वेग है, अब किसी ना किसी वेग से वो चल रहा है, तो यहाँ पर तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ही साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, यानी कभी भी आवेश का चलना का मतलब धारा उत्पन्न होना, धारा उत्पन्न हो रही है तो वहां पर क्या होगा चुंबक के क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र तो रहता ही है, बात समझ में आ रहा। तो यहाँ पर अब देखो चल चलते हैं अब नीचे की ओर अपनी राहों पे, और ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ अपनी कहानियों को, अब चलो चलते हैं थोड़ा सा नीचे की ओर। अब देखो नीचे की ओर क्या है, नीचे की ओर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आप देख सकते हो, और या तो यहाँ पर आप जब देखोगे ये देखो कि समान चुंबक के क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल देख लेते हैं, यानी लॉरेंज बल आखिर में होता क्या है। तो देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल बल है लॉरेंज बल, जो कि एक समान चुंबक के क्षेत्र, यानी चुंबक के क्षेत्र का मान बदलेगा नहीं, यानी चुंबक के क्षेत्र को अभी क्या है बी है, तो उसको बाद में बी वन बावन नहीं करेंगे हम, ये बी रहेगा बाद में भी, अभी तो बी है ही है। तो यहाँ पर देखो एक समान चुंबक के क्षेत्र है, ये चुंबक के क्षेत्र को दिखा रहा है, ये सारे के सारे जो लाइन है ये चुंबक के क्षेत्र को दिखा रहा है, इसमें कन्फ्यूजन मत होना ठीक ना। और यहाँ पर वी साइन थीटा है, यहाँ पर वी कॉस थीटा है, ये इसको बताते हैं क्या होता है भैया, इसी बोल दी वी साइन थीटा, देखो यहाँ पर इसको बताते हैं क्या होता है। तो एक समान चुंबक के क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल यानी लॉरेंज बल हमको देखना है। तो यहाँ पर देखो एक समान चुंबक के क्षेत्र है, उसमें देखो एक आवेश है हमारा, ये क्या है एक आवेश यहाँ पर रख दिया गया है, एक आवेश है हमारा, और ये आवेश देखो गतिमान है और थोड़ा इस तरीके से तिरछा गतिमान है। तो देखो कभी भी अगर कोई आवेश कोई भी चीज़ हो, कोई पिंड हो या फिर कोई भी आवेश हो, तो अगर वो इस तरीके से गतिमान होते हैं यानी थोड़ा तिरछा गतिमान होता है, तो वहाँ पर देखो दो घटक टूटते हैं हमेशा हमेशा, बात याद रखना कि अगर कोई पिंड इस तरीके से तिरछा या फिर कोई भी आवेश गति कर रहा है जो तिरछा गति कर रहा है, तो वहाँ पर दो घटक जोड़ टूटेंगे, एक क्षैतिज घटक एक ऊर्ध्वाधर घटक, यानी एक ऐसे क्षैतिज ये हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर कोई भी जैसे मान लो एक पिंड हमारा ए था, एक पिंड हमारा ए था जो कि गति कर रहा था इस तरीके से, और यहाँ पर इस तो तिरछा गति कर रहा, तो यहाँ पर दो घटक टूटे, एक टूटा ए साइन थीटा, देखो हमेशा जो वर्टिकल होता है यानी जो ऊर्ध्वाधर होंगे हमेशा ए साइन थीटा, और देखो घटक घटक किसका टूटता है तो जो गति करता है, यानी ए पिंड था वो गति कर रहा था, इसका गति इसका घटक टूटेगा, बात समझ में आ रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे हम क्या लेंगे ए कॉस थीटा लेंगे, यानी क्षैतिज हमेशा जिंदगी में हमेशा आप क्षैतिज लोगे ए कॉस थीटा लोगे, यानी क्षैतिज घटक ए कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर क्या लोगे ए साइन थीटा ही लोगे। तो यहाँ पर अब देखो ये पूरा का पूरा वी कॉस, तो यहाँ पर भी एक हमारा आवेश था जो कि तिरछा गति कर रहा था, तो यहाँ पर भी दो घटक टूटेंगे, एक वी साइन थीटा टूटेगा और दूसरा क्या चीज टूटेगा वी कॉस थीटा, तो ये बात ध्यान रखना। चलो देखते हैं अब आगे, तो देखो यहाँ पर अगर मैं आपको सीधे सीधा बताऊँ तो यहाँ पर जो बल लगता है ना भाई साहब, वो देखो जो बल लगता है वो हमेशा क्या लगता है ना कि ऊर्ध्वाधर सॉरी मतलब लंबवत बल लगता है, यानी अगर डायरेक्ट मैं बताऊँ तो लो जो लॉरेंज बल होता है किसी भी आवेश पर वो लंबवत बल लगता है, लंबवत का मतलब 90 डिग्री पर एकदम सीधवा, ये देखो इस तरीके से बल लगता है ठीक ना। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो देखो इस तरीके से आगे मोटा कर लेते हैं पेंसिल को, और ये कलर चेंज कर लेते हैं ताकि चिपका दिखे, तो ये जो बल लगता है हमेशा देखो इस तरीके से बल लगता है, यानी ये लंबवत इस डायरेक्शन में बल लगेगा। दिखाते हैं क्यों बल लगता है लंबवत, प्रूफ करते हैं इसको, थोड़ा सा ध्यान से देखना बस, बने रहना हमारे साथ। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखने वाली जो चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं कौन कौन सी लिखने वाली चीज़ें हैं ठीक ना, और यहाँ पर फिर हम आपको बताते हैं क्यों इस तरीके से हो रहा है कांड। यहाँ पर देखो माने एक आवेश है वेग B से चुंबकीय क्षेत्र B में क्या थीटा कोण के साथ गति तिरछा है, तो थीटा कोण कुछ ना कुछ बनाएगा ही भाई ठीक है, जो बनाते हुए गतिशील है, तो आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला जो बल होगा, बल जो होगा बल 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 जो बल जो होगा देखो बल जो होगा किन किन बातों पर निर्भर करेगा, अभी मैं बताऊंगा कि लंबवत कैसे काम करता है, बल किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो देखो जो बल होगा वो पहली बात तो जो चुंबकीय बल होगा वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, पहली बात तो आवेश पे ही निर्भर करेगा क्योंकि आवेश है भैया, तो उस पर बल लगेगा। देखो ये क्यों बल लगता है, देखो समझना
चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें एक गतिमान आवेश है। गतिमान का मतलब समझ रहे हो, कोई भी आवेश अगर गतिमान है तो वो भी धारा उत्पन्न करेगा, और जब धारा उत्पन्न कर रहा है तो आप जानते हो कभी भी धारा जहाँ पर उत्पन्न हो रहा है वहाँ पर एक और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया जो हमने चुंबकीय क्षेत्र दिया बी, और एक गतिमान आवेश है। जब भी गतिमान आवेश होगा तो धारा, धारा का मतलब एक और चुंबकीय क्षेत्र, तो दो चुंबकीय क्षेत्र हो गए तो आपस में टकराएंगे जरूर, आकर्षण प्रतिकर्षण जरूर होगा, तो इस पर कुछ ना कुछ बल लगेगा। मैं बोल रहा हूँ कि लंबवत लगता है, देख लेते हैं क्यों लंबवत लगता है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है वो किन किन बातों पर, जो चुंबकीय बल है वो हमारा वैद्युत क्षेत्र पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र हमने दिया है उस पर भी तो निर्भर करेगा कि नहीं, क्योंकि दो विद्युत क्षेत्र होंगे, एक आवेश के कारण, एक जो हमने विद्युत क्षेत्र लिया है बी, ठीक है, उस पर भी। और यहाँ पर किस पर बात पर निर्भर करेगा, वी साइन थीटा, यही लंबवत घटक। तो मैं बोल रहा हूँ लंबवत लंबवत, तो लंबवत पे डिपेंड करेगा, बताते हैं क्यों डिपेंड कर रहा है, तो वी साइन थीटा पे डिपेंड करेगा। तो ये पूरा का पूरा जब आप इन सारे के सारे चीज़ों को जब मिला दोगे यहाँ पर, तो मिलाने के बाद देखो हो क्या जाएगा, नीचे चल जाते हैं, रुको भैया, अरे ओहो चल। अब देखो नीचे अगर जाएंगे तो इन सबको अगर आप मिला दोगे, आओ ऊपर देखो इन सबको अगर मिला दोगे तो आपके पास आंक आ क्या जाएगा, जो एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास वो कुछ यू आ जाएगा कि यहाँ पर एफ इटली प्रश्न क्यू बी बी साइन थीटा, याद करो क्यू बी बी साइन थीटा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, अब देखो जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे यहाँ पर एक के लग जाता है, के जहाँ पर नियतांक है, अपने मन से कुछ भी मान रख दो, यानी वन वन रखते हैं। देखो कोई बहुत सारे ऐसे भी नियतांक होते हैं जिनका कोई निश्चित मान होता है, बहुत सारे नियतांकों का मान हम वन लेकर के चलते हैं, ठीक ना, बहुत सारे आपने देखा होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा एफ बी एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ का इसका जो दूसरा फॉर्म भी, यानी ये दूसरा जो फॉर्म है उसे मैं बोल रहा हूँ सदिश रूप है। सदिश रूप कैसे निकालोगे, देखो कभी भी ए बी जब साइन थीटा होता है तो उसको क्या लिख सकते हो, ए क्रॉस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मान होता है वो कितना होता है, ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी तो है ना, यहाँ पर दो चीजें किसको किसको लोगे, कि जो बी है वेलोसिटी है, और ये दोनों के दोनों का मान परिवर्तन, मतलब सॉरी दोनों के दोनों क्या थी, वी बी साइन थीटा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कि वी बी साइन थीटा। इसी चीज को आप किस तरीके से ले सकते हो, वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी सदिश के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी वी वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, और क्यों बाहर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस मान को ले सकते हो जो कि हमारा सदिश रूप कहलाएगा, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो कि इसके कुछ ना कुछ क्या है, केसेस है, इसके कुछ ना कुछ केसेस है, उस केसेस के आधार पर आप इस चीज को समझ सकते हो कि आखिर में ये है क्या, ठीक। तो इस केसेस को देख लेते हैं, केसेस के ही आधार पर आप समझोगे कि वो लंबवत काम कर रहा है। यहाँ पर देखो डेफिनेशन के तौर पे हमने जो चीज़ लिखी है, क्या लिखी भैया, कि डेफिनेशन के तौर पे जो चीज़ें बताने की थोड़ी सी कोशिश की है कि यहाँ पर जब कोई आवेशित कण निश्चित वेग से एक समान चुंबक के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर लंबवत दिशा में एक बल कार्य करता है, यानी लंबवत ऊपर की ओर, लंबवत मतलब बताते हैं क्यों, लंबवत दिशा में एक बल काम करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। तो जब भी कोई गतिमान आवेश है किसी चुंबक के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर लंबवत दिशा में, इस तरीके से लंबवत दिशा में, याद रखना लंबवत दिशा में जो बल काम करता है उसे क्या कहते हैं, चुंबक के सॉरी लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम नीचे की ओर, देखो केस पहला है, केस पहला क्या बोल रहा है, एक आवेशित कण जब क्षेत्र के समांतर हो, जब क्षेत्र के समांतर हो, यानी देखो आवेशित कण ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र ये मान लो, तो दोनों के दोनों क्या है, समांतर है, समांतर का मतलब दोनों के दोनों इस तरीके से, देखो कोण बन रहा है, कोण नहीं बन रहा भैया, देखो दोनों के दोनों समांतर है तो कोण नहीं बनेगा। अगर आप इसी चीज को ऐसे उठाओ तो देखो पांच का कोण 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री 25 डिग्री कितना 75 बन गया यार। देखो तो क्या हो जाएगा, मान लो 75 मान लो, फिर ऐसे 75 80 हो गया, फिर 90 है कि नहीं, फिर क्या बन जाता है, इधर से 120 मान लो, 130 140 50 फिर डायरेक्ट 180। तो 180 जब दो लाइनें, जब देखो दो लाइन रहते हैं तब भी कोण बनता है, तो दो लाइन जब ऐसे हो जाते हैं तब 180 का बन जाता है, बात समझ में आ रहा है। तो अभी तो दोनों तो समांतर है, समांतर का मतलब इस तरीके से एक दूसरे पर, तो कोण 0 होगा, बात समझ में आ रहा है। देखो देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चल जाए तब तो देखेंगे। देखो तो यहाँ पर मैंने बोला कि जब आवेशित कण क्षेत्र के समांतर होगी, देखो क्षेत्र के समांतर कैसे हैं कि आवेशित कण की दिशा इधर है
और चुंबक के क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है, तो दोनों के दोनों समांतर हुए है कि नहीं, दोनों समांतर हुए, तो थीटा का कोण कितना हो गया, जीरो हो गया। तो बी एफ बराबर में क्यू बी पी साइन थीटा हो जाएगा। और देखो यहाँ पर जब थीटा का मान जीरो है तो साइन जीरो का मान जीरो, यानी जीरो आ जाएगा पूरा का पूरा आंसर। अब देखो दूसरा जो हम देख लेते हैं कि दूसरा हमारा कंडीशन क्या है, तो दूसरा अगर केस देख लो, अभी पता चल जाएगा लंबवत कैसे काम कर रहा है भैया, समझ गए। जब आवेश चुंबक के क्षेत्र की दिशा के विपरीत हो, यानी दोनों की दिशा विपरीत हो, यानी देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो इस तरीके से है, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके है और इसकी दिशा इस तरीके से है, तो यहाँ पर कोण कितना बनेगा 180। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, आवेश की दिशा इसे आवेश मान लो, कोण कितना बन रहा है अभी तो बताया ना 180, तो ये 180 बन जाएगा, यानी जो बल होगा वो 180 साइन 180 का मान कितना होता है, जीरो होता है, तो ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। कुल मिला करके इसकी नैया पार हो गई। अब देखो अब आगे देखते हैं, अब देखोगे यहां पर ये देखो, अब यहां पर ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लंब देखो, अब जब आवेशित कण की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, तो यहाँ पर आवेशित कण की दिशा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है इस तरीके से, तो जब लंबवत है, लंबवत का मतलब 90 डिग्री कोण बनाएगा ना, और देखो साइन 90 का मान कितना होता है, ये कितना होता है, एक होता है, तो यहाँ पर देखो जो हमारा वैल्यू आ रहा है एफ का वो क्या रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, यानी एफ का जो वैल्यू आता है वो मैक्सिमम आ रहा है कितने, क्यू बी बी, और यही महत्वपूर्ण है, बात समझ में आ रहा है। तो ये कुल मिलाकर के पूरा का पूरा लेक्चर था, आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हमारी कोशिश है कि आपको थोड़ी थोड़ी समझाएं, मतलब बहुत बढ़िया समझाएं, मतलब छोटी छोटी, मेरा कहने का मतलब ये था कि छोटी छोटी वीडियो से आपको अच्छा से अच्छा ज्ञान दे पाएँ, आपको अच्छा से अच्छा रिविज़न करवा पाएँ, तो ये रिविज़न आपका परफेक्टली तरीके से हो जाएगा। देखो वीडियो को देखने का तरीका ये है कि वीडियो का जाओगे स्पीड दिया रहता है, नॉर्मल स्पीड 1.25 रहता है, 1.5 रहता है इस तरीके से, तो 1.25 पे करके आप पूरा वीडियो देख सकते हो, फटाफट समझ सकते हो, बात समझ में आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इसके आगे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसी चैप्टर को उसको फुल एंड फाइनल करेंगे आप, ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर आसान तरीके से पूरा का पूरा हैंडल करेंगे, समझेंगे, फोड़ देंगे एक एक टॉपिक को, बात को समझो, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक, इसी चैप्टर के टॉपिक के साथ। एक हेल्प जरूर करना कि नोट्स को डाउनलोड कर लेना, नोट्स में भी एक बार कोड रीडर होगा जिसको आप स्कैन करके कुछ भी पैसा मतलब कुछ भी डोनेट कर सकते हो हमको, जो भी आपका मन नहीं करना उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नोट्स को जरूर डाउनलोड करना, वीडियो को जरूर देखना, उसके साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना कि हाँ एक जलज भैया है जो कि रिविज़न करा रहे हैं, तो भाई कर ले रिविज़न क्योंकि एग्जाम आने वाला है, बात समझ में आ रहा। तो इतना जरूर काम करना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो एंड शेयर करो, शेयर करते रहना भाई, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक के साथ, एक टॉपिक के नहीं बहुत सारे टॉपिक के साथ, क्योंकि रिवीजन है, रिवीजन सीरीज में बहुत ज़्यादा हम लोग को रिवीजन करना है, मेहनत भी करना है, तो चलते हैं।